पिछले बार जो इन लोगों ने बेईमानी की, इस बार किसी भी हालत में बेईमानी हम करने नहीं देंगे। एक महीने से डेढ़ महीने से जो है कोई गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। सारे मंत्री जो हैं दोनों क्षेत्र में पड़े हुए हैं और अभी भी दो एक ही विभाग के दो मंत्री जो हैं, एक तारापुर में है, एक दरभंगा में है। इन लोगों का है कि भाई किसी भी कीमत पे जो है हम सर्टिफिकेट लेके जाएं, हार भी जाए तो भी सर्टिफिकेट लेके जाएं। देखिए सूचना मिल रही है कि धांधली लोग हो सकता है करेंगे, तो पिछले चुनाव में आपने देखा होगा पूरे देश दुनिया ये जानती है कि किस प्रकार से जनादेश का चोरी हुआ। किसी से भी अगर पूरे देश में पूछिए तो सब लोग बता देंगे कि बड़ी बेईमानी हुई। तो देश की जनता और बिहार की जनता नीतीश जी के चरित्र को अच्छे तरीके से पहचान चुकी है और सूचना मिल रही है कि भाई सरकारी कर्मचारी तो डरे रहते हैं, नौकरी का खतरा रहता है। इस बार जो काउंटिंग में जिसको लगाया गया है ड्यूटी, ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्चुअल है, यानी संविदा वाले हैं। तो हमारी नज़र तो हर एक तरफ है। पिछले बार जो इन लोगों ने बेईमानी की, इस बार किसी भी हालत में बेईमानी हम करने नहीं देंगे। और संविदा कर्मियों को लगाया गया, हमारे पास तो एक एक लोगों का डिटेल है, कौन लोगों की ड्यूटी कहाँ कहाँ ये लोग लगा रहे हैं। हम लोगों ने भी पिछले बार देखे होंगे कई अधिकारियों का हम लोगों ने शिकायत लेके गए थे, उस सही पाया गया और तबादले हुए। यानी सरकार की मंशा साफ झलकती है। एक महीने से डेढ़ महीने से जो है कोई गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। सारे मंत्री जो हैं दोनों क्षेत्र में पड़े हुए हैं और अभी भी दो एक ही विभाग के दो मंत्री जो हैं, एक तारापुर में है, एक दरभंगा में है, यानी एक मुंगेर में एक दरभंगा में ड्यूटी लगाई गई। एक ही विभाग के दो मंत्री समझ जाइए, जो लूट खसोट वाला जो डिपार्टमेंट है, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लोग होशियार हैं, लोग समझते हैं। इन लोगों का है कि भाई किसी भी कीमत पे जो है हम सर्टिफिकेट लेके जाएं, हार भी जाए तो भी सर्टिफिकेट लेके जाएं। तो हम जा रहे हैं मुंगेर में, जगदा बाबू जी जा रहे हैं, यहाँ हम जा रहे हैं और हर एक चीज़ को हम लोग देखने का काम कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी कितना भी कोशिश करें हरण करने का, छरण करने का, इस बार उनको किसी भी रूप में हमारी कोशिश है कि बेईमानी और लोकतंत्र का हरण नहीं करने देंगे। नीतीश कुमार ने आज कहा है, जब सवाल पूछा गया कि आरोप लग रहे हैं